निगरानी विभाग के किशनगंज, परिवहन विभाग के प्रवर्तन अवर निरीक्षक विकास कुमार के 5 ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की गई। आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी विभाग की टीम लखीसराय, देवघर सहित 2 जगहों पर कार्रवाई करने पहुंची। विकास कुमार पर आय से 1,36,00,000 की अधिक संपत्ति होने को लेकर निगरानी थाने में मामला दर्ज किया गया। इस मामले में कोर्ट से तलाशी वारंट लेकर ये जांच कार्रवाई शुरू की गई। निगरानी विभाग की टीम ने किशनगंज में आरोपी के कार्यालय, आवास के अलावा लखीसराय स्थित 2 जगहों पर उनके पैतृक घर और देवघर स्थित फ्लैट में एक साथ छापा मारा। बताया जा रहा है कि किशनगंज स्थित कार्यालय में कुछ बरामदगी नहीं हुई, वही कर्मियों से पूछताछ की गई। सब इंस्पेक्टर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार में जो अभी किशनगंज में पोस्टेड हैं, उनके विरुद्ध निगरानी थाना पटना में 19/2023 दर्ज किया गया था, जिसमें डिस्प्रोपोर्शनेट इफेक्ट के आरोप का अनुसंधान चल रहा है। उसी क्रम में आज देवघर स्थित आवास की तलाशी ली गई, माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके इनके विभिन्न ठिकानों पर और भी जगह। क्या कुछ चीज़ें बरामद हुई सर? यहाँ से इनके बहुत सारे जनपद संपत्ति के कागजात हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, उसके पासबुक, चेकबुक, ATM और डायमंड और गोल्ड के जो बरामद हुए। सो योर गुड नेम एंड डेजिग्नेशन? मैं DSP विजिलेंस संजय जायसवाल, मेरे साथ DSP गोपाल कृष्ण है, DSP अभय रंजन है, इंस्पेक्टर मुरारी प्रसाद हैं, और ये पूरे 8 साल की टीम है जो विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो बिहार पटना से। थैंक यू सर। किशनगंज के हगड़ा बहादुरगंज मोड़ स्थित SI के आवास की तलाशी में 80,000 नगद और 8 ATM कार्ड के अलावा बीमा में निवेश के कागजात बरामद हुए हैं। 7 सदस्य निगरानी टीम के सदस्य किशनगंज स्थित आवास पर दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है। देवघर के एक अपार्टमेंट के फ्लैट में छापेमारी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।